जो इस प्रकार से बेशरम सांग हीरोइन को पहरा करके भगवा वस्त्र और उसके बाद में उससे अश्लील गाना गवाया गया है, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। क्योंकि ये भगवा ध्वज भगवा जो वस्त्र होता है और ये अपना नहीं है, हमारे भगवान इसको धारण करते हैं, जितने भी साधु संत हैं इसको धारण करते हैं, और यह आध्यात्म का प्रतीक है। अध्यात्म में प्रतीक होने के कारण से यदि इसको पहन करके कोई भी इस प्रकार के बेतुका व्यवहार व्यवहार या गाना गाते हैं, फिल्में में इसको रिलीज किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको जैसा कि इसके इससे इसका प्रभाव जो पड़ेगा हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। दुख है इस बात की कि समझ में नहीं आता है कि फिल्मी जगत के लोग, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, ये लगातार सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित करना, इसके बाद जो हमारी आस्था का प्रतीक है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करना। आप पठान पिक्चर में शाहरुख खान का जो एक ट्रेलर में बयान देख लीजिए, वो कहता है कि इस हमको और किसी चीज से जेल से तकलीफ नहीं है, लेकिन ये से कलर से तकलीफ है। बताओ क्या मतलब था तुमको भगवा पहनने का, नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग की मासुका है दीपिका पादुक, दीपिका जो भगवे में जिस प्रकार से लिवाज जो सनातन धर्म संस्कृति के शुद्ध रूप से विपरीत है, ऐसा वस्त्र पहनना, उसके बाद उनकी जो हिंदू जनमानस की जो आस्था है उस आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाना, और कुछ भी नहीं।